के अधिकारी पहलवानों के संपर्क में हैं और पहलवानों के बयान के बाद दिलीप पुलिस सवालों की एक लिस्ट तैयार करेगी जिसका जवाब ब्रजभूषण शरण सिंह को देना होगा। दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है जिसके चलते सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पटियाला का एकमात्र केंद्र सुधार जेल से एक बार फिर से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिसकी वजह से पटियाला का केंद्र सुधार जेल अब कई सवालों के घेरे में आ चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक पटियाला का केंद्र सुधार जेल पटियाला जेल में चेकिंग के दौरान सजा काट रहे 3 दोषियों से 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल अभी इस बात की जांच की जा रही है कि कैदियों के पास आखिर मोबाइल फोन पहुंचे कैसे। ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 136 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੋਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਨਟੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੋਈ दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का जो धरना है 9वें दिन भी जारी रहा है। जैसे जैसे पहलवानों का यह धरना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धरने पर बैठे पहलवानों को बाकी एथलीट्स और राजनेताओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि पहलवानों के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू धरनास्थल पर पहुंचे हैं। धरने पर बैठे तमाम पहलवानों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सरकार से पहलवान के साथ न्याय करने की बात कही है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन लोनी में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। प्रशासन के जल निकासी के तमाम दावे पोल खोलकर रख चुके हैं ये बारिश और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। लोनी में चारों ओर से पानी की जो इस तरीके से भरमार देखने को मिल रही है वो तस्वीरों से देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तमाम जो नगर पालिका के दावे हैं जो प्रशासन की तरफ से जो हर बार दावे किए जा रहे हैं वो सब पानी पानी हो चुके हैं। आपको बता दें कि जगहों पर पानी भरने की वजह से राहगीरों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। साथ ही कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। नालों की सफाई बेहतर तरीके से नहीं होने के कारण दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया है। आपको ये बता दें कि मानसून ने अभी दस्तक दी भी नहीं है और ये तमाम जो रास्ते हैं जलमग्न हो चुके हैं। तमाम जो दावे हैं प्रशासन की तरफ से उन पर पानी फिर चुका है। लोनी की तमाम जो सड़कें हैं तालाबों में तब्दील होती हुई साफ देखी जा सकती है। और नरसिंह मंदिर के पुजारी रामशंकर दास ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मरने से पहले मंदिर के पुजारी रामशंकर दास ने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दिया है। ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में पुजारी रामशंकर ने रायगंज चौकी इंचार्ज और सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि जनवरी महीने से ही मंदिर के महंत भी हैं लापता और पुलिस अभी तक उनका पता नहीं लगा पाई है और अब मंदिर के पुजारी ने आत्महत्या कर ली है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। और इस साल बारिश ने अपना अलग ही रूप दिखा दिया है। आंधी और तूफान के साथ मध्य प्रदेश में भी इस वक्त तबाही का आलम है और आपको ये बता दें कि तूफान के साथ साथ जोर जोर बारिश भी दस्तक दे चुकी है। ऐसी बारिश होती रही तो किसानों की फसल खराब होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। खबर अब गरियाबंद से है जहां पर देवभोग विकास खंड में बस्ती पारा में 16 प्रहारी नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये 16 प्रहारी नाम का जो यज्ञ है इसमें निरंतर 48 घंटों तक हरे कृष्ण हरे राम का नाम का जाप किया जाता है। बरसों से ही प्रहारी नाम का जो यज्ञ है उसका आयोजन देवभोग में होता रहा है। यज्ञ जो है ना कई वर्षों से चले आ रहा है।
और आपको बता दें कि निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सीओ सिटी वंदना सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ की एक टुकड़ी ने शहर के तमाम संवेदनशील इलाकों में मतदान केंद्रों के आसपास अलग अलग मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया है। इस फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव में अराजक तत्वों के साथ साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा और इसी के मद्देनजर लगभग 5 किलोमीटर तक बीएसएफ की टुकड़ी ने एक साथ मिलकर सीओ सिटी के साथ फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्वक चुनाव कराए जाने और अराजक तत्वों से निपटने का संदेश दिया है। उस कंपनी के साथ आज सर्किल नगर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी नगर पालिका का चुनाव है उसके दृष्टिगत संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स हैं, उन सभी जगहों पर फ्लैग मार्च कराया गया है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि लोगों को शांति और सुरक्षा का एहसास कराना, जो अराजक तत्व हैं उनको ये मैसेज देना कि किसी भी तरह की अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, कानून तोड़ा, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो मतदाता हैं वो निर्भीक रूप से निष्पक्ष रूप से। और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और वहीं अब कुछ राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों के समर्थन में आगे आ चुकी हैं, लेकिन आज नया ही मामला सामने आया है जब जंतर मंतर पर पहलवानों के सामने ही अटल जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बम्बम महाराज नाटिया ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतर आए। पहलवान धरने पर बैठे हैं, अगर जोन शोषण की मांग को लेकर तो मेरी संत्वना सम्पत्ति सहानुभूति इनके साथ जरूर है, किंतु ये जिस दिन साल दो साल पांच साल पहले ऐसा मानो होता है जो बहुत पिछला कहानी है, तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? इनके पास पावर था, पर प्रभुता था, ये बात नहीं था जो आज ये घटना हुई है। आज हम बैठ गए धरना पर, तो टाइम बार क्यों हुआ? आपने टाइम बार क्यों किया? इसका क्या जवाब है? ये टाइम बार जो है ये एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो ब्रजभूषण सिंह को। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात सुना और उसको सुनने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। यहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कर्नाटक चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जीत होना तय है। इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, इसी को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके डर से सभी विपक्ष के नेता एक होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रति माह एक रविवार के दिन मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात का आज 100वां एपिसोड था, तो मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम था वह उज्जैन जिले के बड़नगर में आया था मैं, और वहाँ से फिर महाकाल भगवान के दरबार में आया हूँ। प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, प्रभु का आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहे। छत्तीसगढ़ से खबर है जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और आदिवासी नेता आनंद कुमार साय इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे के बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस दौरान बयान देते हुए कहा कि देखते जाइए, ये सब तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो ट्रेलर है, आज जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी है, तो ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो कांग्रेस में शामिल हो? देखिए, नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, मुझे तो जो जमीनी कार्यकर्ता है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। यहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अमरोहा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। आप सांसद पार्टी प्रत्याशी कविता सैनी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब चंगा के बयान पर तंज कसते नजर आए।
साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी के मन की बात पर कहा कि यूपी में गन की बात हो रही है और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह नगर पंचायत सैदन गली पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे कैंडिडेट को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। जी को दिया। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी मैंने देखा योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि तीसरा इंजन भी हम ही को दे दीजिए। तो पहला इंजन जो नरेंद्र मोदी जी का है वो तो अडानी के लिए काम करता है, दूसरे इंजन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने कोरोना की महामारी के दौरान यहाँ पर कुव्यवस्था देखी, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं, तो दूसरा इंजन भी फेल है। अब उत्तर प्रदेश को नया इंजन चाहिए आम आदमी पार्टी के रूप में, और इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। बजट आप देखिए, नगर निगम का अच्छा खासा पैसा आता है, हाउस टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, वाटर टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं, यानी कि भूत कर्मचारी हैं, कर्मचारी हैं ही नहीं और उनके नाम पर पैसा निकल रहा है। तो ये मैं सफाई कर्मी भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को आप जिताइए और निश्चित रूप से उनको परमानेंट करने की व्यवस्था, उनकी तनख्वाह 18,000 रुपये जो टेम्प्रोरी लोग हैं उनको करने। मुरादाबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के बाद 55 से 60 सालों तक देश में शासन करने वाले लोगों ने जो विकास का कार्य नहीं किया वो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 9 सालों में पूरा करके दिखाया है। मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपका स्नेह मुझे यहां तक पहुंचाने में मददगार बना है और इस भारी सभा के माध्यम से आप सबसे सांसद के साथ एक संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के बारे में कहा जाता है कि राम गंगा के साथ साथ शक्तिपीठ प्राचीन काली माता का आशीर्वाद यहां प्राप्त होता है। मैं जगत जननी मां भगवती काली के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुरादाबाद बदल चुका है। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पीतल नगरी थी, लेकिन वह पंडित जी का कार्य पर था। अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज पीतल नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर चुका है। पीतल नगरी आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज पीतल नगरी स्मार्ट सिटी भी बन गई है। स्मार्ट सिटी वर्षों से जो मांग थी, दशकों से जो मांग थी कि मुरादाबाद के पास भी अपना एक विश्वविद्यालय होगा, वह भी राज्य विश्वविद्यालय हमने मुरादाबाद के लिए स्वीकृत कर दिया। भैया बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा, भारत के बारे में दुनिया की बदलती हुई धारणा को देखा है। दुनिया के अंदर जहां नई संकट आता है, लोग तकतकी निगाहों से, आशा भरी निगाहों से भारत की ओर, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखते हैं।
दुनिया के हर संकट की एक समय लोगों की एक ही आशा होती है और वह होता है संकट मोचक के रूप में प्रधान भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य प्राप्त होने का मान्य करते हैं। और अब रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां पर AIMIM को बड़ा झटका लगा है क्योंकि चुनाव से चंद दिनों पहले ही पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस कड़ी में जिला महासचिव शमशाद हुसैन अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष अनीश अहमद सैफी, डॉक्टर सैफ अली अंसारी और नगर अध्यक्ष शादाब रजा अंसारी, नगर उपाध्यक्ष शामिल हैं। इनका यह कहना है कि हमने पार्टी का काफी लंबे समय इंतजार किया और काफी लंबी हमने सेवाएं दी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ने बिलारी नगर पालिका परिषद में निकाय चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी सही नहीं उतारा है, इसीलिए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि बिलारी के प्रत्याशी की हार दिख रही है, इसीलिए हम पहले ही इस्तीफा दे रहे हैं और हमने पार्टी के कई पदाधिकारियों को फोन करके सूचित भी कर दिया है और हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब पार्टी के लिए कोई भी कार्य नहीं करेंगे। दिक्कत थी, सबमर्सिबल होते थे, गंदा पानी पर लोगों को। जैसे कि निकाय चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नई से नई एक बात देखने मिलती है। देखिए, हर पार्टी प्रत्याशी हर मैदान में है और खुलकर हर जोर लगा रहे हैं। देखिए, मुरादाबाद के बिलारी में एक नया मामला सामने आया है। एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की ठान ली है। आरएन न्यूज से खास बात करने के लिए उन्होंने हमें खुद बुलाया है और आरएन न्यूज के जरिए वो अपना संदेश उस पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं जिनसे जिनके प्रति ये अपनी प्रतिक्रिया रखते थे। लेकिन अब आखिरकार कौन ऐसी ऐसी बात है ये उस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और इनके मन में क्या चल रही है, ये जानने के लिए इनसे बात करेंगे। आखिरकार इनके इनके मन में क्या है? क्या नाम है सर आपका? शादाब। शादाब जी, किस पार्टी से ज्वाइन करते थे आप? MIM से ज्वाइन करता था सर। तो अब ऐसा क्यों आपने थाना आए कि जो इस्तीफा की बात जो सामने आई, क्या है? ये है कि पार्टी ने, हमने जिसे चाहा था, चुनाव से दूर नहीं रहेंगे, इसकी स्थिति शाम तक हम साफ कर देंगे। देखिए, और भी हम ये चार लोग आपको तस्वीरें आपको मैं दिखा दूँ, ये चारों वो लोग हैं जो एक पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिस तरीके से इन्होंने इस्तीफा की अपनी ठानी है। और भी लोगों से बात करेंगे, आखिरकार क्या ऐसी वजह है, क्यों ये इस्तीफा दे रहे हैं और क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं? क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर सैफ अली है। सैफ अली जी, आपने जो पार्टी का इस्तीफा देने की क्यों है सर, क्या ऐसी कौन सी वजह रही? सर, मैं एक नगर अध्यक्ष होने के नाते बिलारी का ये कहना चाहूँगा, पार्टी की जब लोकल मेन बॉडी होती है और जब उसके थ्रू काम नहीं होता या उसका मान सम्मान नहीं होता, तो व्यक्ति को या फिर किसी भी लोकल बॉडी के इंसान को, पदाधिकारी को ठेस पहुंचती है। इसी वजह से आज हमने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि लोकल बॉडी का इसमें कोई मान सम्मान नहीं किया गया, हमारी भावना को आहत किया गया। बात करेंगे जो लोग ये अच्छे पदों पर तैनात थे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्यों पार्टी को इस्तीफा दिया है। एक ही सवाल उठ रहा है कि चुनाव के मात्र 3 दिन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अगर अचानक ये मामला सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं सामने वाले प्रत्याशी को ठेस तो लगती है। और बात करेंगे, क्या नाम आपका? जी, मेरा अनीश अहमद सैफी, मैं 30 बिलारी विधानसभा अध्यक्ष, MIM। तो आपने MIM से इस्तीफा देने की क्यों, ऐसा क्यों आपके मन में सवाल है? टिकट के कारण, हमारे संगठन है नगर का, विधानसभा का, इनके खिलाफ इन्होंने जो टिकट दिया। कितने अभी तो टिकट तो कई दिन हो गए, चुनाव के मात्र 3 दिन ही मात्र रह गए हैं, तो ऐसा क्यों? प्रत्याशी की हालत खस्ता है, ज़्यादा ख़राब है, इसलिए देखते हो पार्टी की बात ख़राब ना हो, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। देखिए, और ही बात करिए सर, आप किस पद पर हैं? मैं शमशाद हुसैन, जिला महासचिव, MIM और हम इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि यहाँ का जो हमारा प्रत्याशी है वो बहुत हल्के लड़ रहे हैं और हमारे ऊपर क्लेम लग रहा है कि ये यहाँ से हारना तो हमें 100% है, चौथे नंबर के प्रत्याशी हैं। ऐसा क्यों है? रणनीति नहीं है यहाँ, उनका वोट बैलेंस है ही नहीं। हमने तो और किसी के लिए मांगा था। किस प्रत्याशी यहाँ से पार्टी उतारा है? हमने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जो मेरा सवाल है, प्रत्याशी किसको उतारा है आज पार्टी ने? तो आर्यन से खास बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने बताया है कि जो हमें दिक्कतें थी उन्हें हम सामने नहीं लाना चाहते। जिस तरीके से हमारा जो कैंडिडेट है वो यह प्रत्याशी है वो कमजोर है, वो पूर्ण तरीके से मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं, इसको देखते हुए हमने इस्तीफा दिया है, क्योंकि पार्टी ने हमारे कहने से और हमारे कहे अनुसार टिकट नहीं दिया।
पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया है या इसका कोई वजूद नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने आरएन न्यूज के जरिए अपनी बात रखी है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी ये लोग मात्र चंद दिन चुनाव में रह गए हैं किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फिर ये चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। मेरे सहयोगी विकास चौधरी के साथ दानवीर सिंह, आरएन न्यूज, मुरादाबाद। तो जिस तरीके से AIMIM को ये बड़ा झटका लगा है, अब ये निकाय चुनाव में क्या नया रंग लेकर आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।